जैसे आप साड़ी परचेज करते हैं उसके साथ काफी ब्लाउज हैवी आते हैं, काफी नॉर्मल ब्लाउज आते हैं, तो जिस साड़ी का ये हैवी ब्लाउज है तो आज आपको बताऊंगी इस ब्लाउज को किस तरह से स्टिच करना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगी अच्छी फिटिंग का ब्लाउज कैसे बनाए। इस ब्लाउज के दो पीस अलग अलग आए, जैसे कि ये स्लीव का पार्ट है तो आपको खोल के दिखाते हैं। तो देखिए हमारा एक स्लिप इस साइड में दिया हुआ है और दूसरा स्लिप इस साइड में दिया हुआ है, तो ये तो हमारा स्लिप का पीस है और ये दूसरा पीस है जो कि आगे की डिजाइन ये दी हुई है और बैक साइड में ये दिया हुआ है। तो जो ये बैक साइड में आएगा और जो कम डिजाइन है वो फ्रंट में आएगी। तो सबसे पहले हम इसको फ्रंट की कटिंग करते हैं, उसके बाद बैक साइड की, जो इसकी ओपनिंग रहेगी वो बैक साइड में। तो इसका जो डिजाइन है ये नीचे वाला डिजाइन आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट सेंटर में आएगा और शोल्डर से भी आप इस तरह से बीच में से पकड़ लें और इस डिजाइन को एकदम बराबर से रख लें। और जो ये नेक डिजाइन है इसको आप देखेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से आ रहा है लेकिन हमको ये बराबर करना है, तो इस डिजाइन को नेक से, नेक को बराबर से बिठाना है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप एक नीचे हाथ लगा के देख लें कि जो डिजाइन है ये बराबर आ रही है कि नहीं गले की। अब ये देखेंगे ये एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है, अगर हम इसको इसके बीच से पकड़ते तो हमारा ब्लाउज बराबर से नहीं बनता। यहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ देते हैं प्लेन, जो हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो जो सिलाई करेंगे हम यहाँ, तो जो शोल्डर लेंगे वो हम 13 इंच ले रहे हैं। अब ये डिजाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगी, तो हम इसके मुड्डे लेते हैं 6.5 इंच और इसका साइज है 44 इंच। तो जो मैं तैयार करूँगी तो इसको 11 इंच आएगा, तो हमारा ये तैयार साइज 11 इंच आ रहा है। अब इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और इस तरह से ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, अगर हम इस सेम लेंगे तो हमारा शोल्डर बहुत कम हो जाएगा, तो ये हमारा इतना सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो खाली 1/2 इंच के आसपास ये प्लेन दिखेगा। इसका कप साइज है 14 इंच और मैं इसमें 1 इंच ज्यादा ले रही हूँ, तो ये डिजाइन है हमारी। यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से हम ज्यादा गुलाई नहीं देंगे इसमें, तो ज्यादा गुलाई देंगे तो ये डिजाइन कट जाएगी। तो ये मैंने स्ट्रेट लिया है, तो आप यहाँ पर हल्की सी गुलाई दे दें। सेम शेप में इसको कट कर देंगे। तो आप देखिए ये हमारा 1/2 इंच के आसपास पीछे के पीस में कम है, तो यहाँ पे हम कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे। जो नेक है इसको अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम सेम लाइनिंग कट कर लेंगे। जब लाइनिंग कट कर लेंगे तो लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से पहले स्टिचिंग डाल देंगे, नेक सेट हो जाने के बाद इसको पलट के बाद में नेक को कटिंग करेंगे। अभी ये बैक पीस है, तो इसको देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग के लिए प्लेन कपड़ा छोड़ा है, तो हम यहीं से इसको सेंटर से पकड़ लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। और इसमें भी सेम आपको आगे की नेक की तरफ ही ध्यान देना, जैसे कि हमने आगे रखा है ध्यान उसी तरह से। सेम 6.5 इंच, अभी देखिए यहाँ पर ये 12.5 इंच आ रहा है, हमको 13 इंच लेस चाहिए, तो इसमें जैसे हमने आगे में ज्वाइंट किया है सेम उसी तरह इसमें भी ज्वाइंट आएगा।
इसकी बैक लेंथ है 15 इंच और मैं 1 इंच इसमें ज़्यादा ले रही हूँ, 16 ले रही हूँ। अभी इसको सेम ड्रॉ पे इसको कट कर देंगे और नेक को अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि लाइनिंग कट होने के बाद ही नेक को कट करेंगे। इसको हम यहाँ पे सिलाई में दबा देंगे, हल्का सा कट कर लेते हैं बस। जितना ये डिजाइन है उतना हमारा इस तरह से स्टिचिंग में चला जाएगा, तो पूरा डिजाइन शोल्डर से बराबर से आ जाएगा। और जो सेंटर पार्ट है इसको भी अभी कट नहीं कर रहे हैं, पहले लाइनिंग कट कर लेते हैं फिर आपको बताऊंगा इसको किस तरह कट करना है। स्लीव की कटिंग करते हैं। तो देखिए डिजाइन दिया हुआ है स्लीव का, तो यहाँ पे हम इसको 8 इंच की लंबाई तैयार में रखेंगे। जो ये बॉर्डर है ये नीचे चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और 1 इंच के आसपास रखेंगे जो कि अंदर सिलाई में चला जाएगा। और इसको हम ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो कि सिलाई मार्जिन के लिए। इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लें सेंटर से। यहाँ से पहले हम कट कर लेते हैं। देखिए इसकी विड्थ तो 10 इंच है लेकिन मुझे तैयार में 11 इंच चाहिए विथ मार्जिन, तो यहाँ पर 1 इंच पीस में जॉइंट कर लूँगी। और जो इसकी हमको 3.5 इंच से हम गुलाई देते हैं नीचे से कटिंग, लेकिन इसमें मैं 2.5 इंच से दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 इंच हम जब जॉइंट करेंगे तो नीचे से फिर कटिंग दे देंगे उसकी। जो इसकी मोहरी है वो 16 इंच है, तो ये तैयार में हमारा 8 इंच आएगा। और देखिए इसमें मार्जिन है हमारा 2 इंच का, तो नीचे हमको जॉइंट करना है तो खाली इतना पीस क्रॉस में जॉइंट करेंगे। अभी सेम ड्राफ्ट रख के मैं दूसरा स्लिप भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए जो बचे हुए टुकड़े हैं इनको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए इसकी शेप इस तरह से आएगी। तो देखिए ये शेप आ गया। जो ये प्लेन है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो इसकी जो नीचे की फिनिशिंग है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। और जो ये फ्लावर है ये हमारा शोल्डर पे जाएगा। तो मैंने ये लाइनिंग भी कट कर लिया है, तो अभी आपको यहाँ पर इसको स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। तो इसकी जैसे कि ये लाइनिंग है तो इसमें 2 पीस सेपरेट सेपरेट है, तो इस पीस को आप इस तरह से रख लें। और यहाँ पर जो ये ओपन है और इसको भी ओपन साइड में सेंटर से बराबर से रख लें। रखने के बाद यहाँ से आप इसमें स्टिचिंग डाल दें पूरा सेम शेप में। तो आप पूरा सेम शेप में स्टिच डाल देंगे, उसके बाद जो नेक है इसको कट कर दें। अगर आप पहले कट करेंगे तो बराबर से नहीं बैठेगा, पहले स्टिच डाल दें बाद में कट कर लें। तो ये तो बैक साइड, जैसे नॉर्मल हम बैक साइड हुक पट्टी काज पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह इसको स्टिच करना है। और यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा बड़ी प्लेट तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये डिजाइन आ रही है, हल्की सी यहाँ पर प्लेट आएगी जैसे 1.5 इंच के आसपास लंबी प्लेट पड़ेगी। तो इसी तरह आप फ्रंट पीस भी इसी तरह स्टिच करना है। अब मैं आपको इसकी फ्रंट की बेल्ट की कटिंग बताती हूँ। मैंने लाइनिंग भी इसी तरह कट कर लिया है, सेम जैसे आपको बताया बैक करना है सेम इसी तरह। जैसे कि ये क्लोज है और देखिए ये भी क्लोज है, यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पर जॉइंट कर लें। और सेम इसको भी पहले नेक को तैयार करें, नेक तैयार होने के बाद इसको कट कर दें, उसके बाद फिर इसको पलट के चारों तरफ से स्टिच डाल दें जिससे कि ये सेट हो जाएगा। और इसमें प्लेट कैसे डालते हैं कैसे सिलते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं जिससे कि आप ब्लाउज आसानी से सिल सकें। अभी इसको मैं आपको बेल्ट की कटिंग बताती हूँ।
तो देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, तो इसी में से हम इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। इस पीस को सीधा रख लें, जैसे आप चाहें उल्टा सीधा इस तरह से भी कट कर सकते हैं। जो ये वाइट वाइट है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो तैयार में ये इस तरह से आएगा। तो आपको इसकी शेप बताती हूँ, पहले शेप किस तरह से देनी है। जैसे ये देखेंगे यहाँ से 4 इंच है, क्योंकि ये व्हाइट वाला तुम्हारा नीचे स्टिचिंग में चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंच ही रखें। ये हम पट्टी साइड में रखेंगे और इधर से हम 3.5 इंच रखेंगे, 1/2 इंच इधर कम कर देंगे, और जो सेंटर में है यहाँ पे हम 3 इंच ही रहेंगे। तो देखिए ये बेल्ट इस तरह से तैयार हो जाएगी। इसी तरह लाइनिंग की भी बेल्ट कट कर लें, तो आपको इसमें नेक पट्टी लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, खाली आपको इसी तरह पलट के इसको स्टिच कर सकते हैं। इस आसान तरीके से आप ये डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।